तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक और अमेजिंग सा वीडियो। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज से लगभग एक महीना पहले एक स्नो स्प्रे पर वीडियो बनाया था, किस तरह से स्नो स्प्रे बनाना है हैंड वॉश का यूज़ करके। यहाँ पर ऊपर आई बटन में वो आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने लाइटर का यूज़ करा था। जब हमने उस लाइटर को खोला था तो उसके अंदर से ये स्पार्क वाला स्विच निकला था, जिसे हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ से स्पार्क होता है। तो ये स्विच निकल गया था, हमने इसका उसमें यूज़ नहीं करा था। तो फ्रेंड्स, आज इसका यूज़ करने का समय आ गया है। इससे बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाएंगे हम। वीडियो को आप पूरा देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये हमारा लाइटर में से निकला हुआ स्विच है, स्पार्क स्विच है। इसमें यहाँ पर से स्पार्क होता है, उसके बाद लाइटर में आग लगती है और हमें इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना होगा। और हमें हेल्प होगी एक सिरिंज की। हमें सबसे पहले सिरिंज को पीछे का निकाल लेना होगा। उसके बाद में हमें सबसे पहले सिरिंज को यहाँ से कट कर लेना होगा। तो मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कट हो चुका है। उसके बाद हमें इसमें एक यहाँ पर होल कर लेना होगा, यहाँ पर कहीं एक होल कर लेना होगा। अगर यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो जो ये 1 ml लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं पर हमें एक होल कर लेना होगा। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर भी एक होल हो चुका है। उसके बाद जो हमने ये ऊपर का पोर्शन काटा था, इस होल को हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा। तो हम इसे भी बड़ा कर लेते हैं। हमें इसका होल इतना बड़ा करना होगा कि जो इसके जो ये लाइटर के स्विच का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो इसके अंदर इजीली फिट हो जाए। अभी थोड़ा सा बचा है, हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है, इसके अंदर फिट हो रहा है। उसके बाद हमें इस लाइटर का जो ये थोड़ा सा आगे का पोर्शन है इसे हमें छील लेना होगा। तो मैं इसे छील लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने छील लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इस स्विच को इस सिरिंज के अंदर डाल देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्विच इसके अंदर जा चुका है। उसके बाद हमें जो ये अंदर वायर दिख रहा है, इस वायर को हमें जो हमने साइड में होल करा था उसके अंदर से इसे बाहर निकाल लेना होगा। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसमें से वायर बाहर निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, हमने जब ये वायर बाहर निकाल लिया तो हमें वायर को कुछ इस तरह से रखना होगा कि ये वायर और जो ये पीछे स्टील का है उन दोनों में ज़्यादा गैप ना हो। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसे ग्लू गन से या ग्लू से या किसी भी चिपकने वाली चीज़ से, फेविस्टिक से, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप, उसे इससे यहाँ पर चिपका देना होगा।
और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह की डिस्टेंस रखना होगी हमें, देख लीजिए आप। और उसके बाद हमें ये जो नीचे हमने यहाँ पर से इसे बाहर निकाला है, यहाँ पर से भी थोड़ा हमें उसे चिपका देना होगा ताकि ये हिले नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर फटाफट से पहले ग्लू गन से ग्लू लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर से इसे ग्लू गन से चिपका दिया है और इसे यहाँ से भी चिपका दिया ताकि ये हिले नहीं। थोड़ी फिनिशिंग कम आई है क्योंकि पहली बार यूज़ करी थी ग्लू गन। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें जो ये सिरिंज के पीछे वाला पोर्शन रहता है जिसे हम प्रेस करते हैं उसे इसके अंदर हमें लगा देना होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक तरह से लाइटर बन चुका है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप स्पार्क हो रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इसे हम टेस्ट भी कर देखते हैं, मगर मैं किसी कारणों से इसे टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि किचन में थोड़ा काम चल रहा था इसलिए। तो फ्रेंड्स ये काम करेगा, आप इसे बनाकर देखना। और हो सके तो जो ये वायर है इसे आप थोड़ा ज़्यादा छीलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने थोड़ा कम छीला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगे घंटे को भी बजा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।